कहते झूठ बोलते हैं, पानी की लाइन डाल रहे हैं, सीवर की लाइन डाल, कुछ भी नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं पब्लिक से। एक घंटा पानी देता है उसमें भी आधा पानी, आप चलो मैं आपको पार्क में दिखा दे, जो डैम बना है गंदे पानी का वो यहाँ छोड़ते हैं पानी, बताओ। अब 5 साल हो गए, अब आएंगे, अब तलवे भी चाटेंगे, अब बातें भी करेंगे, चक्कर भी काटेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे। तो कह रही हूँ मैडम, पूरी दिल्ली की औरतें सड़कें पे उतरे और चक्का जाम करे, बच्चे मारते रोड पे, ला के पैसे दे, बर्तन बेचना, राशन उठा के ले जाना, घरों का सामान फेंकना, पर किसी का छीन लेना, फिर वो लोग उनके घर में आके हंगामा करे, तुम्हारा बच्चा ये ले गया। नमस्कार, मैं आपके साथ अवंता मलिक, नेशन लाइव देख रहे हैं आप। और जैसे कि एमसीडी चुनाव आने वाले हैं, तो इसी के लिए हम हर क्षेत्र हर वार्ड में जाके ये जनता से ये पूछ रहे हैं कि इस बार क्या उनकी राय है कि कौन सी सरकार आ सकती है एमसीडी इलेक्शंस में और कौन जीत सकता है एमसीडी में। तो हम यहाँ पे लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि उनके जो निगम पार्षद है, जी यहाँ के निगम पार्षद कौन है? हमारे यहाँ के निगम पार्षद है आभा चौहान जी। वार्ड नंबर क्या है? 128। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि आभा चौहान की क्या प्रतिक्रिया रही है इन 5 सालों में, उन्होंने यहाँ पे क्या क्या काम किया? जीरो, जब से जीत के गई है यहाँ से एक बार भी नहीं आई, 5 साल में एक बार भी नहीं आई, वो जहाँ की भी नहीं है नालियाँ। जी जी जी, जैसे पानी नहीं आता है या कोई नाली में प्रॉब्लम है या कंप्लेंट करने जाओ तो कभी ऑफिस में नहीं मिलती, और आजकल 1 हफ्ता 15 दिन से कम इतना गंदा पानी आ रहा है उसमें, मतलब बिल्कुल झाग वाला गटर। कौन सा पानी जो घर घर सीवर? आप यहाँ पार्क है वहाँ पे पानी जो छोड़ते हैं वो आजकल नालियों में छोड़ा जा रहा है, ठीक है? इतना गंदा पानी, हमारे बच्चे बीमार हो रहे, कौन देखेगा इनको, ठीक है? और अब 5 साल में जीती, एक बार भी नहीं आई है, और वोट लेने के लिए आप चक्कर लगा रहे हैं कि हमें दो। जी हाँ जी हाँ जी, जब कब देखा? शुरू था जब ही आई थी, उसके बाद नहीं आई है? पानी गंदा आ रहा क्या पी में? अब देखने तो आना चाहिए उसको है? अच्छा, आप मुझे बताइए, और जैसे सरकार ने यहाँ पे कौन कौन से काम कराए हैं यहाँ के निगम पार्षद? पानी तो दे ही रहा है, बिजली भी सही आ रही है, मतलब बिल इतना नहीं आता है। आप मुझे बताइए बिजली के बिल आते हैं यहाँ? मैडम 200 यूनिट फ्री है हमारी, उसके बाद बिल आते हैं। पानी की सुविधा नहीं है यहाँ पे? पानी की सुविधा नहीं है, पानी जाने की रोड पे बारिश का पानी जाम हो जाता है, यहाँ पानी जाने की सुविधा नहीं है, बस घरों के आगे भरा रहता है। नाली की सुविधा कैसी है यहाँ? यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है, सीवर का पानी है, पानी जाने की कोई सुविधा नहीं है, रोड भर जाता है। एक जना बोलिए, मैं सबके पास आऊँ। रोड भर जाता है, सीवर का पानी भी ओवरलोड होकर रोड पे भर जाता है, कोई जाने का रास्ता नहीं है। आपकी आम जीवन में क्या परेशानियाँ? बहुत परेशानी, छोटे छोटे बच्चे बीमार हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं। यहाँ पे मैंने देखा पूरा एरिया, ये मतलब साफ सफाई लेके एक बड़ी बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, तो कूड़े वाला हफ्ते में एक बार झाड़ू लगा के, जब पहले गली के अंदर लगता था, अब सिर्फ सड़क में लगाते हैं और वही कूड़ा उठा के ले आते हैं, अदरवाइज कोई कूड़ा नहीं उठाता यहाँ पे। एमसीडी की गाड़ियाँ आती है यहाँ पर? आती है गाड़ी रोज, कूड़ा उठाने वाली वैसी आती है। एक मिनट, कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ आती है? कूड़ा उठाने वाले आती है, झाड़ू लगाने वाले हफ्ते में एक दिन आते हैं। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या तो बहुत है यहाँ पे, बस यही है जी। आप, मैं यहाँ पे आई हूँ उन्हीं के बारे में पूछने आई हूँ मैं आपसे, आप बताइए ना। हमारे यहाँ पे बहुत समस्या है, बहुत ज़्यादा। एक तो पानी साफ नहीं दे रहे, पानी रोडों पे भर जाता है, रोड सड़कें ऐसी टूटी हैं कि कोई रिक्शे वाला आए दिन खुदाई होती है, बनता कुछ नहीं है। अच्छा, खुदाई होती है, इनको एक बार में याद नहीं रहता है कि खुदाई करनी? नहीं होता, इलेक्शनों के टाइम में जगह जगह खोद देंगे, उसको बंद करना ही भूल जाते हैं। खोद क्यों रहे हैं ये लोग इलेक्शन के टाइम पे? ये कहते झूठ बोलते हैं, पानी की लाइन डाल रहे हैं, सीवर की लाइन डाल, कुछ भी नहीं करते हैं, झूठ बोलते हैं पब्लिक से। तो आप मुझे बताइए कि ये जो गलियां हैं, गलियों में रास्ते वास्ते ठीक है या कुछ नहीं है? गलियों में सीवर का पानी भरता है, सब मिलके प्राइवेट बुलाते हैं तब सीवर साफ होता है। अच्छा, आप मुझे बताइए जो गलियां हैं उसमें गड्ढे, जो गलियां हैं, गलियां जो है उनमें गड्ढे वगैरह है कि नहीं है? गड्ढे नहीं है, सीवर लाइन ओवरफुल होके पानी निकलता है, कोई सीवर वाला साफ करने नहीं आता। दो तीन साल से बोले जा रहे हैं कि नया पाइपलाइन डलेगा, 35 साल हो गए इधर, 35 साल में जो पहली बार जे कॉलोनी में जो डला था पाइपलाइन वही है, दोबारा उन्होंने बोला था नया डालेंगे, लेकिन आज 35 साल में एक पाइप भी नहीं डला, और घर के आगे जाके देखो इतना गंद निकल रहा है, बच्चे कहाँ से निकलेंगे, इतना गंद,
इतना गंद, बच्चे हम लोग अगर खाना खाएंगे तो पहले नाक में जाएगा। जो दो मंजिली है हमारे, दो मंजिली तीन मंजिली तो ऊपर खा लेंगे, जिनका बेचारों का नीचे घर है वो क्या कहाँ खाएंगे खाना। एक घंटा पानी देते हैं उसमें भी आधा पानी, आप चलो मैं आपको पार्क में दिखा दे, जो डैम बना है गंदे पानी का वो यहाँ छोड़ते हैं पानी, बताओ लोगों के कितने गंद है, जो वो कच्ची कॉलोनी होंगे सारा पानी यहाँ छोड़ा जाता है। हाँ जी हाँ, रोज आ रहे हैं सुबह सुबह, मैंने 20-25 मिनट मोटर चलाई, गटरी गटर का पानी, गटरी गटर। अच्छा, बीजेपी वाले, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस अब आ रहे हैं जी, ध्यान रखना, हमने बहुत परेशान हो। अरे तुम 5 साल के बाद एक दिन आ रहे, 5 साल में काम तो करते, अगर तुम्हारे बोर्ड नहीं भी है तब भी तुम काम तो करके देखो। हम सोचेंगे भाई हमने इसको बोर्ड नहीं दिया तब भी हमारा काम कर रहा है, वो अगला काम नहीं करता है वो। हाँ जी, हम उनके पास कंप्लेंट लेके जाते तो कहते नोट देके वोट लेता हूँ, नोट देता हूँ जब वोट देते हो, ऐसे बोलता है। मैं बोलते हैं कि नोट देता हूँ तो वोट लेता हूँ। आधार कार्ड में, आधार कार्ड हम लोगों ने नहीं खाए, जो खाते उनके चमचे खाते हैं, बदनाम पूरी पब्लिक होती है, बदनाम चमचे लेते हैं उनका, बदनाम पब्लिक होती है। 100-100 रुपए लिए जा रहे हैं वो फोन के, वो लेकिन अच्छा, आपके निगम पार्षद ऐसे बोलते हैं कि हम तुम्हें पैसे देते हैं तब तुम हमें वोट देते हो, अगर कोई काम, अगर आप कोई काम लेके जाते हैं उनके पास। हाँ, नोट लेके वोट देता हूँ, लेता हूँ मैं जी। जी आप मुझे बताइए, आंटी जी आप मुझे बताइए, आप थोड़ा कैमरे की तरफ घूम जाइए, आप मुझे बताइए कि इस बार आप भाजपा पे, कमल के फूल पे वोट देने वाली है या फिर हाथ पे वोट देने वाली है या फिर झाड़ू पे वोट? मैं तो किसी ने पेंसिल बांधी ना आज तक, ना वोट दूं किसी को, जो बांधेगा उसी को मिलेगा। हाँ जी हाँ जी, जो 60 साल के बुजुर्ग बैठे हैं उनका पेंशन बंद हो गई है। एक सेकेंड, 4-5 साल हो गए मैंने फार्म भर रखा है है ना, उसके बालियान के पास, उन्होंने साइन भी करे अभी तक कुछ भी ना। अच्छा, कोई कोई आपको मिला नहीं है? कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा अच्छा, ये देखो कितनी साल हो गए हम तो पता नहीं, पेंशन ना किसी की भी नहीं आ रही, ना इनकी बन रही ना हमारी, उन्हें बांधनी चाहिए ना। जी जी जी, गवर्नमेंट पैसा डालेगी आपके अकाउंट में, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। गवर्नमेंट ने बोला था कि हम आपका जीरो अकाउंट खोल रहे हैं, उसमें सबके 500 रुपए हर महीने आएंगे। आज उस खाते को खुले भी 1-1.5-2 साल हो गए, आज तक श्रमिक कार्ड बने, आज तक उस खाते। हाँ जी हाँ जी, श्रमिक कार्ड बने पैसे आएंगे, लेबर कार्ड बनाओ तो उसमें पैसे आएंगे, आए किसी में नहीं, उनके आए जिनके सब कुछ है उनके आ रहे खाते में, हमारे में नहीं आ रहा। बताओ कैसे कहाँ से? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ना तो हमारा लेबर कार्ड के आए, ठीक है, नए एसएम कार्ड के आए, और ना हाँ जी बोलिए आप, हमारे नहीं आए कुछ भी, नए एसएम कार्ड के आए, ना जीरो बैलेंस आया। और हमारे बुजुर्ग महिलाओं का जो कॉलोनी के अंदर बुजुर्ग महिला, उनको तो कम से कम पेंशन तो बांधो। जी जी जी, तो फिर आप, मेरा आपसे ये सवाल है कि आप सरकार से क्या सवाल करेंगे? अगर निगम पार्षद यहाँ के एमसीडी के कोई बनते हैं तो उनसे आप क्या सवाल करेंगे? किसी को वोट नहीं देंगे हम, अपना वोट जीरो करेंगे, खाली छोड़ेंगे, हम किसी को अपना प्रतिनिधि नहीं बनाना चाहते। हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट करो तो मर्डर होके मर जाएगा, तब पुलिस आती है, किसके पास शिकायत करें? निगम पार्षद हो चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे कोई भी हो, किसके पास करें कंप्लेंट कि हमारे यहाँ पे ये तकलीफ है, लड़ाई दंगा हो या कोई प्रॉब्लम हो रही है, सड़कें नहीं बनी है, पानी नहीं आ रही, कुछ भी कहे कोई नहीं सुनता। अब 5 साल हो गए, अब आएंगे, अब तलवे भी चाटेंगे, अब बातें भी करेंगे, चक्कर भी काटेंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, अब तो सब कुछ, अब तो हमारे घर बैठ के हमारे साथ चाय भी पियेंगे बोलेंगे तो ठीक है, और जब इलेक्शन खत्म जाओ भी ना, बैठो बैठो हम आ रहे हैं उनके, तो अगर चले गए ऑफिस में बैठो बैठो आ रहे हैं जी। उनको वोट हम देते हैं, हम उनको गद्दी पे बिठाते हैं और उसके बाद वो हमारे वोट से ही अपने ऐशो आराम के जो रास्ते हैं वो ढूंढ लेते हैं, और फिर जो आम जनता है उनको भूल जाते। थोड़ी मांगा गवर्नमेंट देती है ना उनको पैसे, वो पैसे हम पे तो लगाओ, तो वो भी नहीं लगाते, वो खुद खा के अपने शीशों का महल बना के बैठ रहे हैं, और हमारे लोग, हमारे बच्चे सब ऐसे सड़कों में ऐसे घूम रहे हैं। हम उनसे राज करवा रहे हैं, सिर्फ दो जी 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 जी, पानी और बिजली और बाकी कोई काम नहीं। जी मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूंगी, जो केजरीवाल जी हैं जी जी जी, मैं आपसे एक सवाल लेना चाहूंगी, मेरी बात सुनिए आप, कि ये जो एमसीडी में इलेक्शंस होने वाले हैं तो इसको लेकर
काफी मतलब 15 साल से, पिछले 15 साल से भाजपा ही बनी हुई है, अब आपको क्या लगता है अगर दूसरी सरकार आएगी तो परिवर्तन आएगा या फिर भाजपा ही दोबारा से आएगी? काम नहीं करती है जी। हाँ जी मैडम, मेरी बात सुनो, अब बीजेपी कोई काम नहीं कर रही है, अब बीजेपी को सिर्फ वोट चाहिए। अब उन्होंने 10 साल जी लिया, अब वो सोच रहे हमें सिर्फ वोट मिले जी। 15 साल, 15 साल ही समझ लो। कांग्रेस आएगी वो भी नहीं करेगी, जो जो केजरीवाल जो थोड़ा बहुत कर रहा है तो वो भी करेंगे, बाकी कोई नहीं करेगा जी। मैं आपसे एक और सवाल लेना चाहूंगी कि जैसे एमसी मतलब जो हमारे सीएम है अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने जगह जगह मतलब जो नशे का वो है, नशे का पात्र का वो खोल दिया है। हाँ जी, तो मैं आपसे बोलती हूँ कि जो शराब के ठेके उन्होंने जगह जगह खोले हैं, इससे मतलब क्या असर पड़ेगा समाज पर? मैडम खाली शराब नहीं, बहुत नशा बिकता है यहाँ पे। जे जे कॉलोनी, आप कोई से भी जे जे कॉलोनी में जाओ, जे जे कॉलोनी के पूरी दिल्ली में नशा है, हर चीज का नशा है। वो रोको जी। अब केजरीवाल जी पिंक ठेके भी खोल रहे हैं जो कि महिलाओं के लिए हैं जी, तो फिर इस पे आप क्या प्रतिक्रिया? मैं कह रही केजरीवाल साहब, आप पिंक ठेके खोलो, चाहे रेड ठेके खोलो, चाहे कोई सा भी ठेका खोलो, नशा तो नशा ही है। जो इतना नशा ड्रग्स बिके जा रहे पूरे दिल्ली में, पूरे भारत में, मतलब समझो आप, इतना नशा बिक रहा है। छोटे छोटे बच्चे घर में चोरियां, बाहर चोरियां, माँ बहनों को मार पिटाई, उनके लिए कुछ करो। दारू को तो 1% औरत जेल भी लेगी, लेकिन जो ये ड्रग्स का नशा जो चल रहा है उससे क्या होगा घर वालों का? एक सवाल मर्डर कर रहे हैं, मर्डर घर के अंदर मर्डर हो रहा है उससे। जब गवर्नमेंट अपने ठेके खुलवाएगी तो दूसरे नहीं बेचेंगे, जब गवर्नमेंट का ठेका। मैं आपसे एक सवाल और लेना चाहूंगी। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इस अगर शराब जब बिक रही है जगह जगह, तो इससे जो निम्न तबके हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके उस पर क्या फर्क पड़ेगा? क्या उनको मतलब उतरना पड़ेगा मैदान में कि उनको भी घर चलाने के लिए उनको शराब बेचनी पड़ेगी? मैं तो कह रही हूँ मैडम, पूरी दिल्ली की औरतें सड़कें पे उतरे और चक्का जाम करे नशे के खिलाफ, चक्का जाम करे। मैं तो कह रही हूँ इस भारतवर्ष की सारी महिला से हाथ जोड़ के कह रही, चक्का जाम कर दो और खड़े हो जाओ। नशा चाहे कोई भी हो, हर नशे के लिए बंद करो, नशा मुक्त करो दिल्ली को नशा मुक्त करो केजरीवाल साहब, तो हम जाने आप नंबर 1 के सीएम हो। बस उन्होंने तो खोल दिया है ना, वो बंद क्यों करेंगे अब? उनका खुद का फायदा अगर हो रहा है तो वो खोल, उनको तो बहुत बेनिफिट हो रही है ना, तो वो क्यों करेंगे? अब तक केजरीवाल सरकार ने पानी मुफ्त किया, बिजली मुफ्त किया, अब उन्होंने शराब करेंगे, अब शराब मुफ्त करेंगे कर दिया के लेडीजों के लिए, एक बोतल पे एक फ्री, एक बोतल पेटी के साथ एक फ्री। तो मैडम तो फिर क्या करे, फिर वो तो फिर भाई बस भी तो फ्री कर रहा। अभी तक महिलाएं सिर्फ कामों में, सिर्फ काम में, पढ़ाई में मर्दों को टक्कर दे रही थी, मगर अब महिलाएं शराब में। लेडीज का लिया बस फ्री करवा रखी है केजरीवाल ने, करवा रखी है ना, पानी फ्री, अब दारू का तो मेरे को अभी पता नहीं है। जी जी, दारू फ्री है मैडम, तो फिर क्या है ना, ये पेंसिल और खोल दे 60 साल वालों की तो वो भी अच्छी बात है। केजरीवाल जी ने काम करे हैं, दारू का काम, अस्पताल का काम बढ़िया करा, अस्पताल दारू का काम बड़ा किया है, और जल्दी से अस्पताल चले जाओ, ये काम करे उन्होंने बढ़िया, जगह जगह ठेके खुलवा दिए, जिनके काम थे उनके बंद करा दिए, हाँ जिनके काम थे उनके बंद करा दिए, फिर ठेके खुलवा दिए। तो ये कौन सा करा भाई, कमाई दमाई है ना, 2-4 कमाते हैं वो दारू पे चले जाते हैं लोगों के, बताओ क्या करना है। आप आओ केजरीवाल साहब, आप आओ जे जे कॉलोनी के अंदर, आप अपने चमचों को मत भेजो, आप आंखें बंद करके बैठे हैं और पंजाब में घूम रहे हैं केजरीवाल जी। वो तो उनका वहाँ का सरकार पकड़ने जा रही है, दिल्ली की सरकार जी, दिल्ली का मिल गया उनको, अब सीएम बन गए, वो दूसरी जगह जा रहे हैं और यहाँ पर जो है, यहाँ पे लोग मर रहे हैं, दर्द धक्के खा रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं। कहते रहे हो चाहे वो कहीं पे भी जाए, रहना तो उनका छत्र छाया तो दिल्ली है, जो कुछ उल्टे पड़ेंगे उनको सीधे पड़ेंगे, दिल्ली से ही पड़ेंगे, चाहे वो पंजाब घूमे, चाहे हरियाणा में घूमे, चाहे राजस्थान में घूमे, रहना उनको यही है, घर उनका यही है, उनका छत्र छाया उनकी खूटी यही है, और पड़ेगा यहीं से ही, आज नहीं कल वो भी धक्का मारेंगे ये भी, लेकिन बसना उनको यही है, सब कुछ मिलना उनको यहीं से है। चाहते हैं चाहे कोई भी ना जी, कोई भी चाहे दारू हो, चाहे ड्रग्स हो, चाहे कुछ भी, यहाँ जब गवर्नमेंट करेगी तो दूसरा भी करेगा। उनके घर में, उनके घरों से पूछो जिनके बच्चे, घरों में शांति नहीं है, बच्चे मारते रोड पे ला के, पैसे दे, बर्तन बेचना, राशन उठा के ले जाना, घरों का सामान फेंकना, पर किसी का छीन लेना, फिर वो लोग उनके घर में आके हंगामा करे, तुम्हारा बच्चा ये ले गया उठा के,
काम दाम है नहीं, बस माँ बाप परेशान हर चीज को, मतलब खुले जी सरकार नौकरी तो दे नहीं पा रही है, शराब जरूर दे रही है, एक पेटी पे एक बोतल फ्री दे रही है शराब, दारू फ्री बांट रही है ठेको पे। जी बिल्कुल जी, सीढ़ी दे नहीं रही है सिलेंडर, आप तो ऐसे चमचे होते हैं ना। हाँ जी हाँ जी, वो आज उसका वोट लगा लेंगे, कल उससे पैसे लेके उसका हटा के दूसरे का वोट टांग देंगे, चमचे तो खा देगा वो चमचे, एक का वोट हटा के दूसरे का वोट लगा लेते हैं, उसे फेंक देते हैं, भाई तेरा काम खत्म, अब आ रही है दूसरी सरकार। जी जी, जो घर में महिला है, जो बेचारी अनपढ़ है, उनके पास काम धंधा नहीं है, उनका पति बीमार है चल नहीं सकता, उनका बेटा उनको कमा के नहीं देता बेचारी घर में, उनके लिए कोई काम रोजगार निकाले, दसवीं पास होने चाहिए, बारहवीं पास होने चाहिए, एजुकेशन होना चाहिए तो उनको नौकरी मिलेगी। जो घर में औरत बैठी है उनके लिए कोई घर घर में काम निकालो, तुम ये शराब के ठेके खोलना, नशा मुक्त बोलते हो, नशा मुक्त करो तुम, जगह 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 शराब मत खाओ, दारू मत पियो, और वही चीज़ तुम बिकवा रहे हो, ठीक है। और जो औरतों को, घर बैठी औरतों को, जो रोजगार बेरोजगार औरतें हैं, जो अनपढ़ हैं, उन औरतों के लिए कुछ निकालो, उन औरतों को कुछ दो काम धंधा के लिए, भाई ये काम करो, उनके हैं बेरोजगार औरतें हैं, क्या महंगा कर दिया तो उसी की तो बोले सिलेंडर मानो 1000 रुपए का सिलेंडर है, गरीब औरत जिनके घर में नहीं चूल्हा, तुम जलाने दोगे नहीं उसमें, तुम्हारे को वो भरना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, और वो काट के चले जाते हैं कि भाई कुछ जलाया तो काट दो, पर्ची काट दो और भरो, तो फिर क्या चीज दे रहे हैं, तो भाई दो। जैसा कि आपने सुना यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं सरकार से, उनकी ये मांग है कि चाहे सरकार कोई सी भी आए बस हमारे हित में काम करे। और जैसा कि आपने सुना यहाँ के लोगों से, यहाँ के लोग परेशान हैं गली मोहल्ले में जो साफ सफाई नहीं हो रही है, और जो नालियों का कचरा बाहर मिल रहा है, और यहाँ पे बारिश में जो बुरा हाल होता है लोगों ने बताया, और लोग यहाँ पे जो शराब बिक रही है उससे बहुत परेशान है, लोग चाहते हैं शराब नहीं, दिल्ली के लोगों को शराब नहीं चाहिए, लोगों को जॉब चाहिए, लोगों को बेरोजगार नहीं बैठना है। तो हम चाहेंगे कि जो दिल्ली की सरकार है और जो भी एमसीडी इलेक्शन में जो भी आए बस जनता की हित में काम करे। तो आप देख रहे थे नेशन लाइव, कैमरामैन विशाल के साथ मैं अबोंटा मलिक।